एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टूडियस आई एम उत्कर्षा तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट टू पार्ट वन में हमने डिस्कशन किया था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या सोर्सेज हैं फंडामेंटल राइट्स के और उसके अलावा पहला राइट टू इक्वालिटी जो कि हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है उसका आर्टिकल फोर्टीन अब हम लोग राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल फिफ्टीन से लेकर आर्टिकल एटीन को आज डिस्कस करने वाले हैं लेट स्टार्ट अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15 तो आर्टिकल 15 में देखिए क्या दे रखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ तो प्रोहिबिशन है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन पे इन पांच ग्राउंड पे ठीक है तो अब ये तो आपने समझ लिया आर्टिकल 15 के अंदर क्या है अब इसमें से देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें ये पांच ग्राउंड्स दे रखे हैं इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा ये तीन तो इनमें से कोई ग्राउंड दे देगा और संग में लिख देगा कलर तो आपको बताना आर्टिकल फिफ्टीन के अंदर प्रोहिबिशन कौन से ग्राउंड पे नहीं है तो इसमें आएगा कलर तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं प्री में तो इन पांचों ग्राउंड को अच्छे से याद रखेगा चलिए हम लोग आगे रीड करते हैं क्या है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ा होगा आपने वर्ड ओनली तो यहाँ पे ओनली जो वर्ड है ना वो डिनोट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड ठीक है इन ग्राउंड पे प्रोहिबिटेड है अदर ग्राउंड्स पे प्रोहिबिटेड नहीं है ठीक है अब आगे चलते हैं आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन क्या कहता है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस इन पांच जो ग्राउंड दे रखे हैं इनके ऊपर किसी भी पर्सन या जनरल पब्लिक के ऊपर डिसेबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती एक्सेस करने के लिए क्या चीज़ें एक्सेस टू तो शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटल्स प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और इसके अलावा यूज़ ऑफ वेल्स टैंक्स हाउस, रोड्स प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन होली और पार्शली बैड स्टेट फंड अगर कोई भी जगह इनमें से जो मैंशन कर रखा है इनमें से अगर कोई भी जगह पार्शली या होली ओन करी जाती है या फंड करी जाती है स्टेट के द्वारा तो वहां पर हम किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं लगा सकते किसी भी जनरल पब्लिक के ऊपर जो ये सेकंड प्रोविज़न है आर्टिकल 15 का ये इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर अगेंस्ट है स्टेट के और जो पहला वाला है वो सिर्फ है स्टेट के लिए ठीक है मतलब स्टेट नहीं कर सकता यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और सेकंड वाले प्रोविजन में बता रखा है कि इंडिविजुअल भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और ना ही स्टेट अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शन या फिर कह लीजिए थर्ड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल फिफ्टीन तो इसमें देखिए क्या दे रखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस तो स्टेट किसी भी तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही है आर्टिकल 15 में किसी भी तरीके से ये रोकता नहीं है स्टेट को प्रोविजन बनाने के लिए वुमेन्स और चिल्ड्रन अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15 का फोर्थ प्रोविजन जो कि कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉस टू ऑफ आर्टिकल 29 29 तो आर्टिकल किसके बारे में बात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो अगर किसी भी तरीके से स्पेशल क्लास ऑफ सिटीजन है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है जैसे कि एस सी एस टी तो उनके लिए प्रोविजन बना सकता है स्टेट ये किसी भी तरीके से अगेंस्ट नहीं होगा आर्टिकल फिफ्टीन के आप देखिए पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के अंदर फिफ्थ वाला प्रोविजन जो कि बात करता है फिर से एस सी की किस लिए एडमिशन के लिए इन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं एस सी के लिए जो कि एडमिशन दिलाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि प्राइवेटली एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो और चाहे गवर्नमेंट ठीक है वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट तो ये जो वर्ड है ना अनएडेड बाय द स्टेट यानी कि जो कि फंड नहीं ले रहा है स्टेट से किसी भी तरीके का वो भी रोक नहीं सकता है किसी भी तरीके से एस सी को एडमिशन लेने से या फिर स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है इन स्कूल्स के लिए भी इसको ऐड किया गया था नाइनटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल फिफ्टीन के सिक्स प्रोविजन के बारे में जो की बात करता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के बारे में ठीक है तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उससे रिलेटेड अगर स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहती है स्टेट तो वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की शन में नहीं आएगा अंडर आर्टिकल 15 यही बात करता है तो इसको बेहतर समझने के लिए अब हम लोग कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला केस लॉ जो है वो है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस जो है वो नहीं आता है अंडर आर्टिकल 15 क्योंकि अगर आपने ध्यान से मैंने जैसे आपको बताया था कि पाँच ग्राउंड थे तो उन पाँच ग्राउंड में रेजिडेंसी जो नहीं था ना तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रेजिडेंसी जो है वो किसी भी तरीके का ग्राउंड नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का अंडर

फिफ्टीन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए काश जो है वो किसी भी तरीके का ग्राउंड नहीं है अंडर आर्टिकल 15 ठीक है और जो बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास के बारे में क्लासिफिकेशन की बात हो रही है वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसके बाद आता है इंदिरा सहानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अपना पहला वाला वर्डिक था उसको ओवर रूल किया और ये बोला की क्लासिफिकेशन जो है बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ठीक फिर आया टीएमए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो रिज़र्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रोवाइडेड किसी भी तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं होगा जिसके बाद गवर्नमेंट लाइन नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 जिसमें बात किया गया कि रिजर्वेशन जो होगा प्राइवेट में एज वेल एज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज अलाउड ठीक है जिसके अगेंस्ट आया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू को जिसके बाद आया वन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 इसी से रिलेटेड जिसमें बात करी गई है 10 परसेंट कोटा फॉर ईडबू अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 जो कि बात करता है देयर शैल बी द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द दिटीजन इन द मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट तो स्टेट के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या कोई भी ऑफिस है उसके अंदर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 के अंदर सेकेंड प्रोविजन की जो कि लिखा है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट तो किसी भी तरीके से यहाँ पे देखिए ग्राउंड अलग है पिछले वाले आर्टिकल फिफ्टीन से जो डिस्क्रिमिनेशन के पांच ग्राउंड थे इसके अंदर देखिए रेजिडेंसी भी दे रखा है ठीक है और डिसेंस भी दे रखा है तो इसमें बात करता है कि किसी भी तरीके

अब जो मंडल कमीशन का सजेशन था उसको 1990 में आई वीपी सिंह की गवर्नमेंट उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और 27% परसेंट कोटा दे दिया फॉर द ओबीसी ठीक है उसके बाद आया 1991 जिसमें आई नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जिन्होंने ये तो बोला कि 27% परसेंट कोटा देंगे हम ओबीसी को इसके अलावा एक और प्रोविजन लगाया जो कि था टेन कोटा फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस इसके बाद आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जिसमें बोला गया कि रिजर्वेशन जो होगा वो क्रीमी लेयर के बाद दिया जाएगा ओबीसीस को इसके अलावा बात करा गया इसमें कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा थर्ड प्रोविजन इसमें बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की रिजर्वेशन जो होगा वो फिफ्टी से ज्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकता है अब इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 को समझने के लिए हमें आगे समझना पड़ेगा देवासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1964 जिसमें बात करा गया कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में पहले समझना होगा कैरी फॉरवर्ड रूल तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले रूल किया था कि 50 परसेंट से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं हो सकता किसी भी केस में तो अगर कोई वैकेंसीज़ बैकलॉग की किए हैं यानी कि पिछले साल की अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं इस साल तब भी रिज़र्वेशन जो है वो 50 परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल में ऐसा बोला गया कि रिज़र्वेशन जो बैकलॉग वाली वैकेंसीज़ है ना उनको एक अलग वैकेंसीज़ की तरह सेपरेट वैकेंसीज़ की तरह ही रखा जाएगा अब हमें समझना होगा कैरी फॉरवर्ड रूल जिसके लिए हमको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50 परसेंट से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता इन एनी केस लेकिन जब बैकलॉग की वैकेंसीज होती हैं यानी कि पिछले साल की जो वैकेंसीज हैं उसके बाद भी 50 परसेंट ही रिज़र्वेशन हो सकता है लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल के अंदर बोला गया कि जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं उनको एक सेपरेट वैकेंसीज़ की तरह ट्रीट किया जाए ठीक है अब फिर आया 77 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 जिसने ऐड किया आर्टिकल 164 ए जो कि बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए कि रिजर्वेशन दिया जाएगा इन प्रमोशन आल्सो फॉर द एस एंड द एसटी इसके बाद आया इससे रिलेटेड था 85 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ क्या बात करता है के के बारे बारे में। में बाद आया 81 Amendment Act of 2000 जिसने किया किया जो कि कि बात करता है को जाएगा और सेपरेट वैकेंसी की तरह ट्रीट किया जाएगा और जिसके बाद आया 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 जिसने दिया 10% परसेंट कोटा फॉर ईडब अब देखिए हमें पढ़ना होगा आर्टिकल 17 जो कि बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में कि अनटचबिलिटी इज अबॉलिस्ड एंड इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ तो जैसा जैसा सीधा सीधा लाइन में लिखा है ना वैसा ही मतलब है कि अनटचबिलिटी इन एनी फॉर्म इज नॉन जस्टिफाइबल और वो एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर लॉ ठीक है यही बोला गया है इसमें और यही इसका मतलब है अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 18 जो कि बात करता है एबल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में देखिए फर्स्ट प्रोविजन क्या है नो टाइटल्स नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट की एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़ किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दिया जा सकता है बाय द स्टेट या ग्रांट नहीं किया जा सकता बाय द स्टेट आगे पढ़ते हैं नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरन स्टेट किसी भी तरीके का टाइटल जो है वो फॉरन स्टेट से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं ले सकता अब है थर्ड प्रोविजन जो की

और ऑफिस ऑफ एनी काइंड अंडर एनी फॉरन स्टेट तो यानी कि आर्टिकल 18 जो है वो अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मिलिट्री और अकेडमी फिर आया बालाजी रांगवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि किसी भी तरीके का नेशनल अवार्ड जैसे कि भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री ये सब जो है आर्टिकल 18 के टाइटल्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि ये एक तरीके के हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं है ठीक है लेकिन ये जितने भी नेशनल अवार्ड्स के नाम मैंने लिए उनको किसी भी तरीके से आप सफिक्स या प्रिफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते आई होप आपको आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है एक बार जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और और इसकी पी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है साथ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो टेल एस इन द कमेंट सेक्शन की आपको किस तरीके की और हेल्प कर सकते हैं हम लोग इन द फील्ड ऑफ स्टडी ओके बाय